हमारे यहाँ सारंगढ़ अपना किरार प्रवास में ग्राम चौपाल लगी हुई थी कुछ दिनों पहले। एसपी साहब आए हुए थे, उसमें जो है हमारे साहू समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, तहसील अध्यक्ष, परिक्षेत्र अध्यक्ष और विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, सब मिलकर हमने साहू भवन अपना जो रानी सागर बन रहा है उसमें जो है अवैध पैसा उगाही और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में एसपी साहब को शिकायत किए थे। उस समय जो है एसपी साहब ने इसको डीएसपी रैंक के अधिकारी को से जांच कराने के लिए माननीय एसडीओपी साहब को हैंडओवर किए थे और उसी संबंध में हम लोग आज यहाँ पर अपना बयान दर्ज कराने और एसपी साहब से उसमें जल्द जल्द कार्रवाई करने के लिए निवेदन करने के लिए हम लोग सभी समाज के लोग आए हुए थे। कौन कौन है, किस चीज़ की मांग कर रहे थे, कितना पैसा मांग कर रहे थे? इसमें विभिन्न क्या कहना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे करके उन्होंने बोला, परंतु मुख्य रूप से हम लोग के सामने में ये घटना जो घटी थी 30 तारीख को शुरू हुई थी, 30 अगस्त 2020 को तहसील कार्यालय में हम लोग मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपये की राशि हम लोग चेक देने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर तहसील कार्यालय में ओमकार के सरवानी भरत अग्रवाल और विश्वनाथ क्या नाम है एक और है वो जो है आए थे और हम लोग और अन्य भी साथ में हैं करके बोले वो लोग, बहुत सारे लोग हैं करके। और उन्होंने ये बोले कि भाई आप लोगों का जो बन रहा है भवन, ये ज़्यादा क्षेत्र में बना रहे हो, छोटे झाड़ के जंगल बना रहे हो और इसके मामले में कुछ हम लोग को जो है हम लोग का सेवा कराओ, खर्च कराओ, हमको पैसे दो करके जो है हम लोग का सेवा कराओ, खर्च कराओ, हमको पैसे दो करके मांग रखे। हम लोगों ने सब साफ थे हम लोग थे, सबके सामने में बात हुई। हम बोले कि भाई हम लोग तो सब जन सहयोग से एक एक रुपया पैसा इकट्ठा करके सबके सहयोग से हम लोग ये भवन बना रहे हैं, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे करके हम लोग को द्वार बोला गया और उनसे हाथ जोड़कर विनती भी की गई कि इसको भवन जो है सबके लिए है, ये इसको कम से कम आप लोग छोड़ दीजिए करके। उसके बाद विभिन्न अलग अलग माध्यम से, फ़ोन से और अलग अलग व्यक्ति से, हमारे जो जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर करके बीच बीच में आप लोग मैंने पैसा देना है तो दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग पेपरबाजी करेंगे या फिर आपके खिलाफ शिकायत करेंगे और आपको नहीं होगा तो FIR करा के जेल भी भेज देंगे, यहाँ तक के भी बोला गया। तो ये सब घटनाएँ चलती रही थी। इसी बीच में जो है ये हम लोग अपने जो है, चूँकि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के 33/61 पंजीयन हैं, उससे हम लोग सब संबंध हैं, हम लोग का रजिस्टर्ड संस्था है। हमारे जो संस्था के जो प्रमुख है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री अर्जुन हिरवानी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं श्री डिग्री लाल साहू जी, रायगढ़ जिला साहू संघ के, रायगढ़ जिला साहू संघ का मैं भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। भरत भाई हमारे तहसील साहू संघ अध्यक्ष हैं सारंगढ़। ये सब बातों को हम लोग जो है वहाँ पर अपना प्रदेश स्तर पर रखें, तो उन्होंने भी दिशा निर्देश दिया कि भाई इस तरह से आप लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं तो एक प्रारंभिक आप सूचना दीजिए और उसके बाद फिर जैसे भी हम लोग भी बात करेंगे करके रखेंगे, उसी संबंध में हम लोग जो है निवेदन करने आए होते हैं। मेरे नज़र से तो ये ऐसा टाइप का घटा होगा ऐसे महसूस नहीं है। ये जो है छनाने के लिए अपने ऊपर जो आरोप लगा है या जो भी है, इससे बचने के लिए और धान को निकृष्ट दूसरे दिशा में मोड़ने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, मुझे मेरा ये मानना है। अपन जो शिकायत दी है उसमें हमको न्याय मिले और उसमें हम कार्रवाई चाहते हैं। दिनांक 3/11/2020 को पुलिस जन चौपाल किडार में लगा हुआ था, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हुए थे। वहाँ पर सारंगढ़ के साहू समाज के कुछ पदाधिकारी रामगोपाल साहू, लोचन प्रसाद साहू आदि के द्वारा कुछ पत्रकारों के खिलाफ धमकी और अवैध उगाही के संबंध में जांच करने हेतु वहाँ पे शिकायत उनको दिए थे। एसपी साहब के द्वारा मुझे शिकायत की जांच करने हेतु दिया गया था। इस तारतम्य में मैंने आवेदकों का बयान लिया और कल मैंने ये जो पत्रकार ओमकार के सरवानी, भरत अग्रवाल, दो लोगों को भी तलब किया था। ओमकार के सरवानी के द्वारा अपना बयान दिया गया है और इसमें जो भरत अग्रवाल थे वो भी मेरे चैम्बर में उपस्थित हुए और मुझसे अभद्रतापूर्ण ढंग से बात करके केवल 30 सेकंड वो मेरे चैम्बर में रहे और मैं तुम्हारे पास कोई बयान नहीं दूंगा, ऐसा करके यहाँ से भागते हुए चले गए। और मेरे द्वारा इस शिकायत में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसमें जांच कर कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। सर आपके खिलाफ शिकायत भी की गई है सर, उनके द्वारा सर क्या साध्य था सर, गाली गलौज की बात है सर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि केवल 30 सेकंड उन्होंने मेरे चैम्बर में रहा, तो 30 सेकंड में क्या हो सकता है, उन्होंने आया और कौन शिकायत की मेरे खिलाफ, मैं भरत अग्रवाल पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, कौन जांच करेगा मेरे खिलाफ, सब बोल के वो दरवाज़ा खोले और निकल गए। उनके और मेरे बीच कुछ भी बातचीत नहीं हुआ है।